हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के वेबसाइट से हम अपने कोई से भी सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने पीसी में लेके चलता हूँ और शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ऑन कर लेंगे और ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का साइट ओपन करेंगे और उसमें जाएंगे हम दोस्तों डाउनलोडिंग वाले लिंक में। दोस्तों, इस डाउनलोड वाले का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं आप, मेरे स्क्रीन पर शो कर रहा है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का सर्विस एट डोर स्टेप, ये वाला पेज जहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड योर सर्टिफिकेट। दोस्तों, तो डिपार्टमेंट सबसे पहले सेलेक्ट करना है आपको। तो डिपार्टमेंट में मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। आज मैं आपको इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो देखिए, यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन में जो है इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट वाला आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट में ये मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दिया। जब हम अप्लाई करते हैं तो जो हमें एप्लीकेशन नंबर मिलता है वो डाल देंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ मेरा, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। उसके बाद आधार कार्ड नंबर अपना, जो आपने अप्लाई करते समय दिया होगा वो आप डाल दीजिए। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, कपैचा कोड है, कपैचा कोड डाल दीजिए। ये फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो दोस्तों नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका एक ओटीपी आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने अप्लाई करते समय दिया होगा। फिर ओटीपी डाल के राइट साइड में आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर टू रीसेंड ओटीपी, अगर नहीं आया तो दोबारा रीसेंड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे फ़ोन पे बस आ ही गया है, ये मैं डाल देता हूँ। डाल दिया, कुछ इस तरह न्यूमेरिक नहीं आएगा आपका, अल्फाबेटिक आएगा ओटीपी। उसके बाद दोबारा एक बार और कपैचा हमें डालना है, तो ये हम डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने डाल दिया है, सेम टू सेम डालना है। और जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये हमें ऑप्शन पूछता है पाथ कि कहाँ पे लेना है हमें डाउनलोड। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे करना है मुझे, डायरेक्ट मैं डेस्कटॉप पे ही कर लूँगा, ईजी रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं टैब खुल जाते हैं ये कई सारे। अब मेरे में डाउनलोड मैनेजर डला हुआ है तो वो अपना अलग से एक टैब खोल लेता है। तो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं और वो डाउनलोड हो चुका है नीचे, देखिए। उसके बाद इसको ओपन करेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों, आपको सामने में मेरा इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया, बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।